हेलो एवरीवन, हमारे चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे हेल्थ डिलीवरी सिस्टम, जो कि थर्ड टॉपिक है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की। तो सबसे पहले हेल्थ डिलीवरी सिस्टम के बारे में बताते हैं। हेल्थ एडमिनिस्ट्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड। हेल्थ का प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, यानी बहुत महत्वपूर्ण फील्ड होता है। एट द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल दे आर यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो है इसका गवर्न करने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गवर्न किया जाता है, यानी कि उसके नियंत्रण में रखा जाता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के। ओके, क्लियर। एंड देयर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ स्टेट गवर्नमेंट लेवल और सेकेंड लेवल स्टेट गवर्नमेंट। ये जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत सरकार जो है, जो प्लान फैमिली प्लानिंग हुई या फिर जो हेल्थ के विषय में स्कीम जो हुई, जो पास करता है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भेजता है कि हाँ ऐसे ऐसे रूल रेगुलेशन ऐसे ऐसे गवर्न किया जाए कि जिससे सबके हेल्थ को या फायदा पहुंचे और सब स्वस्थ रहें। ओके, क्लियर। ऑल हेल्थ पॉलिसी प्लान, जो पॉलिसी प्लान होते हैं, जो भी प्लान होते हैं, ये इन्हीं दोनों के द्वारा, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा गवर्न किए जाते हैं, चलाए जाते हैं। स्कीम आल्सो ऑफर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द गवर्नमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ एट द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्लियर हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को प्लान और जो है पॉलिसी को समझाता या बताता है कि आप जो है आगे बढ़ाइए और रूरल एरिया तक इसका लाभ मिले। तो अब देखते हैं यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर, जो ये दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, दो भागों में इसका क्लासिफिकेशन है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ, सेक्रेटरी स्टाफ और सर्विस, DGH, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस, एडिशनल DGHS, और सेकंड में है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और ये सेक्रेटरी स्टाफ और ये कमिश्नर, फिर उसके बाद डाई कमिश्नर, फिर सेक्रेटरी, फिर रीजनल डायरेक्टर। अब इसको जो है कैटेगराइज किया गया है दो भाग में, इसको देखें। डाई डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस फॉर मेडिकल केयर एंड हॉस्पिटल, और डाई डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस पब्लिक हेल्थ केयर। ये मेडिकल केयर है, ये पब्लिक यानी पब्लिक हेल्थ केयर है, ये जनरल, और ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटर है यानी कि जनरल प्रशासक। तो पहले बात करते हैं मेडिकल हेल्थ केयर की। तो इसके अंतर्गत आते हैं हेल्थ मिनिस्टर फॉर इंटरनेशनल हेल्थ। इंटरनेशनल हेल्थ के बारे में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ के बारे में प्लान जो होता है, यहाँ से डायरेक्ट या गवर्न किए जाते, चलाए जाते हैं। और फिर इसमें दो में दो है, ए और बी। और बी में मेडिकल केयर इन हॉस्पिटल, जो मेडिकल केयर के प्लान जो होते हैं हॉस्पिटल में, वो लागू किए जाते हैं। और नंबर दो, मेडिकल एंड एजुकेशनल प्रोफेशनल, जैसे पढ़ाई होती है मेडिकल कॉलेज में और प्रोफेशनल के बारे में बताया जाता है, और फॉलोशिप नंबर तीन। अब नंबर टू की बात करते हैं, हेल्थ सर्विस पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ इसमें होता है यानी कि सब लोगों का हेल्थ, और हेल्थ एजुकेशन के बारे में भी बताया जाता है नंबर दो। और इसमें जो होता है नैनीटाल मलेरियल और प्रोग्राम जो होते हैं, इंडिकेशन के बारे में, मलेरिया का जो रोकथाम है उस सब के बारे में प्लान जो गवर्न किए जाते हैं, चलाए जाते हैं, उसको यहाँ तक पहुँचाना, नीचे सीढ़ी तक इनका काम है। कम्युनिकेबल डिजीज़, जो कि कम्युनिकेबल जैसे ट्रांसफ़र होती है, कंटामिनेट होती है, या फिर कम्युनिकेबल जैसे STDN जो ट्रांसफ़र होती है होस्ट इसके, जैसे वायु या फिर वाटर या फूड, या फिर ये कंटामिनेट होते हैं। कम्युनिकेबल मतलब STD डिजीज जो आती है कि एक दूसरे से जो कंटामिनेट हो जाए, उसको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ओके, और नंबर तीन में आता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, सिविल सर्विस और सप्लायर। ये हेल्थ सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता रहे हैं। इसमें जो है सेंट्रल आता है सिविल सर्विस के को, हॉस्पिटल सप्लाई हॉस्पिटल हैं, और सप्लायर ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप ETC आता है। अब बात आती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड स्टेट गवर्नमेंट लेवल के। गवर्नमेंट लेवल में क्या क्या
ये कैसे कैसे प्लान अपने शो करते हैं या फिर नीचे स्तर तक पहुंचाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लेवल में एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासक यूनिट टेक फॉर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर सर्विस असिस्टेंट ड्यूटी इन प्रोग्राम, इनका प्रोग्राम कैसे निचले लोगों तक पहुँचता है इसके बारे में देखते हैं। दी फॉलोइंग चार्ट इलस्ट्रेशन दिस स्टेट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इनका चार्ट क्या है। इसमें पहले ये जो होते हैं मिनिस्टर, उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, फिर हेल्थ सचिवालय होता है, उसके बाद डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस होता है, फिर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस। तो इसके प्रोग्राम क्या होते हैं, इसके कई कैटेगराइज इसमें भी किया गया है। DTH मेडिकल एजुकेशन यानी मेडिकल की के बारे में जो शिक्षा होती है उसको प्रोवाइड की जाती है। ADHS नर्सिंग, ADHS MCO, ADHS फैमिली वेलफेयर, ADHS न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया है, पोषक तत्व के बारे में, ADHS स्कूल हेल्थ के बारे में, स्कूल में जा जाके हेल्थ के बारे में बताया गया कि कैसे, ADHS प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ADHS हेल्थ एजुकेशन। तो इसमें सबसे पहले आता है, नीचे आप जाएंगे तो इसमें कौन कौन से मिनिस्टर जो कि या फिर कौन कौन से वर्कर या फिर काम करते हैं इसके बारे में। चीफ मेडिकल ऑफिसर सीमो ये जो है ये चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, इसकी ये जो है हॉस्पिटल का जो है प्रशासक होता है। एंड फॉर कम्युनिटी हेल्थ वर्क, ये कम्युनिटी सामुदायिक हेल्थ में ये जो है वर्क करता है। और चीफ मेडिकल और सामुदायिक हेल्थ सी एस सी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। मेडिकल ऑफिसर इन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रिस्पॉन्सिबल है। तालुका हॉस्पिटल, जेल हॉस्पिटल, ये जेल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिनिस्टर DHO, रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूनसिपल ब्लॉक एरिया यानी कि म्यूनसिपल ब्लॉक नगर पालिका और ब्लॉक एरिए में ये DHO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर वो रिस्पॉन्सिबल है। अब PSC की बात करते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की। PSC पे दी सेंटर ऑफ दी हेल्थ इन रूरल एरिया, ये PSC जो छोटे छोटे होते हैं रूरल एरिया में पाए जाते हैं। तो इसमें जो है दी सेंट्रल दी हेल्थ ऑफ रूरल एरिया डिस्ट्रिक्ट HQ हॉस्पिटल, मेडिकल ऑफिसर इसमें जैसे PSC पे जो तैनात होते हैं, पहले मेडिकल ऑफिसर, ब्लॉक एक्सटेंशन एडिटर और फार्मासिस्ट एक होते हैं, और एक फैमिली वेलफेयर के वर्कर होते हैं, और तीन नंबर पर अकाउंट कम क्लर्क, ये अकाउंट क्लर्क होते हैं, और नर्स मेडवाइफ और हेल्थ के लोग होते हैं। थैंक्स, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम के बारे में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।